चालाक और आप सबका सारा अच्छा। उम्मीद करूँ सब भले रह अच्छा, मैं ले भाजू और छोटो को मेरा प्यार। जो भाई जी मैं मेरे इस चैनल में नए हैं उन्हें बता दूँ, मैं तारा नेगी उत्तराखंड जिला नैनीताल कॉर्बेट रामनगर से हूँ दोस्तों। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 4:30 बजे से। और हम लोग आए हैं खेत में क्योंकि बारिश बहुत हो रही दोस्तों, इस वजह से हम ब्लॉग बना नहीं पा रहे हैं। और इसलिए हम अभी थोड़ा ठीक हुआ है तो हम लोग यहाँ खेत में आए हैं। जो मक्का है दोस्तों पूरी बंदरों ने खा चुकी है, पेड़ भी कुछ आंधी तूफान से बह गए, तो हम काटने आए हैं अपनी कमों के लिए चारा काटने आए हैं। बाकी ये कुछ हो नहीं रहा, मौसम भी बहुत आज ख़तरनाक हो रहा है यहाँ का। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। और अमरूद हो रहे हैं आजकल दोस्तों और बहुत टेस्टी हो रहे हैं। ये लाल वाला अमरूद है, आई होप आपने खाया होगा, लेकिन बहुत टेस्टी है दोस्तों। हमारे यहाँ पर बुआ जी रहती तो उनके वहाँ से मैंने खाए हैं। उनका लाल और वाइट वाला, जो सफ़ेद वाला होता है, दोनों ही अमरूद है, दोनों ही मीठे हैं। तो आज का हमारे अमरूद की रन हो रही है हमारे पास यहाँ गांव में रामनगर में, बहुत हो रहे हैं अमरूद। लेकिन क्या है ना, उनमें कीड़े पड़ जा रहे हैं। कुछ तो सही हैं लेकिन कुछ में क्या है, कीड़े पड़ जा रहे हैं तो वो खाने लायक नहीं हो रहे। लेकिन कुछ हम छांट छांट के अच्छे से अपने लिए मतलब कर ही ले रहे हैं जुगाड़। आइए दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है, कैसी हमारी मक्का हो गई है। आइए दोस्तों, और दोस्तों ये देखिए, ये मम्मी है मक्का काट रही है। और ये भिंडी हमारी, ये हाल कर रखा हमने, लेकिन इसमें क्या है, फिर भी अभी भिंडी नहीं आई है, ये देखिए। और मक्का ये मतलब बंदरों ने ऐसी कर दी है तो मक्का हमारी अभी ये हो भी नहीं रही है। ये देखिए सब मम्मी काट रही हैं अभी दोस्तों। एक मक्का खाई थी कुल बस। ये देखिए दोस्तों ऐसा हाल हो रहा है हमारी भिंडी और इसके, और एक मक्का हमने कुल खाई थी। अभी देखिए ये इस तरीके से हो रही है मक्का, ये छोटी सी, लेकिन ये होगी कितनी होगी पता नहीं। और ये इतनी, वैसे इतने में ये बंदरों ने सब उखेड़ दी है ये। और ये देखिए ये जो ये उड़ रहे हैं आसमान में, ये हम पहले बचपन में ना हॉलीकॉप्टर बोलते थे, तो हम क्या करते थे दोस्तों, इनके ना इनके पास में क्या है, इनकी पूंछ पे हम लोग धागा बांध के तो इनको उड़ाते थे, तो हम इन्हें हॉलीकॉप्टर बोलते थे। अभी देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं ये आसमान में। और ये देखिए पूरा पानी से कैसा हो गया है, बरसात से पूरा पानी पानी हो रखा है आज यहाँ। और बहुत बारिश हो रही है दोस्तों, इस वजह से हम ब्लॉगिंग कर भी नहीं पा रही मैं, आप लोग समझ ही रहे होंगे, क्योंकि बरसात हर जगह ही इतनी ज़्यादा हो रही है, बाढ़ हो रही है, घरों तक पानी घुस जा रहा है दोस्तों। ये देखिए ये हम ले जा रहे हैं चारा, ये एक पेड़ यहाँ को लटका पड़ा मक्का का। और ये देखिए दोस्तों मौसम देखिए कितना काला हो रहा है, घनघोर बादल छा रहे हैं, ये पता नहीं कितनी भयंकर और बारिश। लेकिन ये है कि दोस्तों बारिश तो हो रही है ना, लेकिन क्या है उसके साथ साथ गर्मी भी बहुत है। बारिश तो हो रही है दोस्तों, कुछ पल के लिए ठंडा भी हो रहा है, लेकिन फिर वही गर्मी है। आज भी काफ़ी देर तक गर्मी ही थी, अभी ये थोड़ा मौसम ऐसा हो रहा है लेकिन फिर भी गर्मी हो रही है। हम लोगों को पूरे पसीने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। लेकिन अब बाढ़ नहीं आए, बारिश नहीं आए तो यही रहता है कि लेकिन हाँ मौसम ठंडा हो जाए सही है, बारिश ना आए अच्छा है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इंसान सबके घर वर भी टूट गए हैं काफ़ी जगह पे, हम आप लोग भी न्यूज़ देख ही रहे हैं, हम भी देख ही रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं लग रहा। तो बारिश पहले थी कि आए, लेकिन अब तो यह है कि नहीं आए बारिश, वही अच्छा है, क्योंकि दोस्तों बहुत नुकसान हो गया है बहुत ज़्यादा। और अब हम लोगों की घर जाने की तैयारी भी हो गई है, मम्मी हमारी घास काट रही हैं, बन चुका है हमारा घास दोस्तों। और ज़्यादा हम ब्लॉग बना नहीं पा रहे दोस्तों, इसलिए अपने ब्लॉगों को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और बारिश का ये है तो आप भी मेरी तरह दुआ कीजिए कि बारिश ज़्यादा ना आए और सही से सब सही रहें, स्वस्थ रहें, अपने घर में रहें। चलिए दोस्तों चलते हैं, तब तक ले बाय।